आज हम बनाएंगे पाव भाजी। और पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मटर लिया है। मटर हम 1 कप के लगभग यूज करेंगे। 2 रफली चॉप्ड गाजर लिए हैं, 3 मीडियम साइज के रफली चॉप्ड आलू लिए हैं, 2 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं इसे भी मैंने रफली काट लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून बटर लिया है, 2 टेबलस्पून सरसों तेल और यहाँ पर पाव लिया है, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला लिया है, 1 टीस्पून सा जीरा की जगह आप नॉर्मल जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप फ्रेश धनिया के पत्ते जिसे मैंने बारीक काट लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह आप कोई भी बर्तन ले लें और उसमें आलू, मटर और गाजर डालकर अच्छे से उबाल लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे और अब इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को यहाँ चटकने तक भून लेना है। अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पाव भाजी मसाला। अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। अब एक पैन में 1 टीस्पून बटर और 1 टीस्पून सरसों तेल ऐड करके उबले हुए सब्जियों को फ्राई करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। धनिया पत्ता। अब इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची कूट कर डाल देंगे। और ये सब्जियां अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और ये वेजिटेबल स्टॉक जो हमने रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। एक पिंच जितना कसूरी मेथी लेंगे और इसे इस तरह क्रश करके और हम इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे 1 नींबू का रस निचोड़ के इसमें हम ऐड कर देंगे।
नींबू आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि आपके पास नींबू नहीं है तो 1 टीस्पून आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप किसी मैशर का यूज करके सब्जियों को अच्छी तरीके से मैश भी कर सकते हैं। भाजी से तेल अलग होने लगा है। मार्केट जैसा कलर लाने के लिए आप इसमें 1 पिंच रेड कलर ऐड कर सकते हैं। तो भाजी बनकर तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। और इस तरह से ऊपर से अब हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब पाव रेडी कर लेते हैं। मैं इसी पैन को यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने सब्जियों को फ्राई किया था। इसमें 1 टीस्पून बटर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पाव को इसमें डालकर अच्छी तरीके से हम इसे सेक लेंगे। पाव अच्छी तरीके से सेक चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। पाव भाजी दिखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, तो आप इस डिलीशियस पाव भाजी को अपने घर में बनाएं, खाएं और खिलाएं और एंजॉय करें। थैंक यू।